जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2020 के बारे में लेटेस्ट जानकारी, और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कब आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड फॉरेस्ट गार्ड का कब आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करके रखा है, या फिर जो लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि रिसेंटली दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपको ये नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर कर दिया था कि जो आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो अभी जारी नहीं हुआ है, और आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2020 के बीच टेंटेटिवली यानी कि अनुमानित रूप से तय किया गया है। पर उसके बाद भी मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर, ये बताइए एग्जैक्टली कि हमारा एडमिट कार्ड अप्रैल में कब आएगा, और फिर हमारा किस डेट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो अप्रैल मंथ है आपका एग्ज़ाम होने का फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट का, वो तो आपको क्लियर है क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट ने क्लियर आपको कर दिया है। पर यहाँ पर मैं आपको अनऑफिशियल रूप से अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताने वाला हूँ कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि जिसमें कि आपको मैक्सिमम जब आपका एग्ज़ाम होगा 2 या 3 दिन का ही फर्क लग सकता है मेरी बताई हुई डेट में। और इसी तरह से आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसमें भी आपको इतना ही फर्क पड़ सकता है। पर जो आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ वो आपके लिए रियल में बहुत ही काम होने वाली है, यानी कि काम की होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का, वो आपका अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर जारी किया जाएगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जैसा कि आप सब जानते हो कि कोरोना वायरस का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े काम ठप पड़ गए हैं और बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अगर आपका अप्रैल तक इस वायरस का असर कम हो जाता है, तो आपको सेकंड वीक के अंदर आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर उस वक्त कोरोना वायरस का इतना ही प्रकोप रहा है जितना कि अभी है, तो फिर ये आपका एग्ज़ाम और भी ज़्यादा समय ले सकता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर कोई 1,000, 2,000 या फिर 10,000 कैंडिडेट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर आवेदन करके रखा है, जिसकी वजह से सरकार इसको ऐसा होने नहीं दे सकती। क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट आएंगे, और इस वायरस का आप असर जानते ही हो कि मना करके रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें आपको बताया है कि 50 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे न हो। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर आपका बेसिकली सेकेंड वीक के अंदर सब कुछ सही अगर रहा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आपका अप्रैल के लास्ट वीक यानी कि आप ये कह लीजिए आपका जो एग्ज़ाम होगा फॉरेस्ट गार्ड का, वो आपका 27 से 28 अप्रैल के बीच होगा। इस हफ्ते में जिस भी दिन संडे पड़ता है, यानी कि जिस दिन भी इतवार होगा, रविवार होगा, उस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर। यहाँ पर आपको 14 से 15 दिन का समय, या फिर कह लीजिए कि 10 से 11 दिन का समय तो पक्का मिलने वाला है आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। और ये जानकारी 100% समय आने पर सही होने वाली है। मे बी अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस पर बिलीव ना हो, पर जो लोग इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं और जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड या फिर दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, उनको पता है और वो मे बी मेरी बात से एग्री करेंगे। आई होप दोस्तों, ये जानकारी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और जिस तरह से मैंने आपको बताई है, आप उसको समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी विचार है, जो आपको लगता है कि कब तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और क्या मेरे विचार आपके विचार के साथ मिलते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपके इसके ऊपर विचार करूंगा। इसके अलावा अगर इसके बारे में इस बीच कोई अपडेट आता है ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल, तो वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो साथ ही साथ इसका मतलब ये भी होता है कि आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है आगे के अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, बस इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस यूट्यूब चैनल यानी कि ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।